Mic on. हेलो हेलो जी हेलो 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 माइक ऑफ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यू लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि 4440 के लिए माइक सर्किट बनाइए। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो माइक सर्किट है तो अब ये बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपके सामने एक ऐसा मॉड्यूल लाया हूँ जिसमें आपको माइक और इको साथ में मिलता है। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, ये मेरे पास एक मॉड्यूल है जिसमें आपको माइक और इको दोनों सपोर्ट मिलता है, जो कि यहाँ पे एक नॉर्मल वाला है। हालांकि जो नॉर्मल वाला पैनल होता है सेम वैसा ही दिखता है, लेकिन यहाँ पर जो पीछे की ओर देखिएगा तो दोनों में बहुत का अंतर हो जाता है। तो ये नॉर्मल वाला में क्या होगा दोस्तों, नॉर्मल वाला में यहाँ पर 5 वोल्ट सप्लाई देकर यहाँ से आप आउटपुट ले सकते हैं और यहाँ पे ऑक्स का है। लेकिन यहाँ पे जो माइक के साथ इको दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सप्लाई का है, ये आउट का है, ये ऑक्स का है, और ये जो नीचे वाला दिख रहा है आपको वो हमारा माइक का है। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है एम प्लस और एम माइनस, नीचे वाला हमारा खाली रहेगा, ये ऑक्स का है और ये आउट का है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा काम करता है। और यहाँ पर इसके सामने ये किट जो है माइक सर्किट का कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट इसमें आप माइक्रोफोन लगाकर चला सकते हो। और इसमें तो अगर ये आपके पास अगर बोर्ड है तो सिर्फ इससे आप माइक चला सकते हो, इको नहीं ले सकते। लेकिन इसमें क्या है कि माइक प्लस इको भी चला सकते हो। तो इसको मैं आपको 4440 के बोर्ड में चला कर दिखाऊँगा। और इसका जो वायरिंग होगा दोस्तों, सेम इसका होगा वैसा ही है। यहाँ पर डायरेक्ट 5 वोल्ट देना है और यहाँ पर इसको यहाँ से आउटपुट देना है। और बोर्ड में आप किसी भी बोर्ड में यूज करना चाहते हो तो वहाँ से इनपुट दे देना है, ठीक उसी में देना है। लेकिन यहाँ पे क्या करना है कि माइक के लिए यहाँ पे एक माइनस प्लस का वायर निकालना होगा, जो कि यहाँ पे 3 पिन दिया गया है, लेकिन हमें सिर्फ 2 पिन यहाँ पे काम करेगा। वहाँ पर एक एम डिलीट का ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन वो हमारा कोई काम का नहीं है, वो खाली रहेगा। एम प्लस में और एम माइनस में लगाना है। तो दोस्तों, यहाँ पर लगाने के लिए मैंने यहाँ पर एक माइक का कनेक्टर यहाँ पर फीमेल सॉकेट यूज किया है। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा लिया है, अगर आपके पास ऐसा होगा तो उसका कनेक्शन कुछ इस तरीका से होगा दोस्तों, कि अगर आपके पास ऐसा ही होगा तो जो प्लस वाला होगा वो दोनों को एक साथ हम जोड़कर यहाँ पे लगा देंगे, और जो माइनस वाला होगा हम एक यहाँ पे लगा देंगे जो खाली है। अगर आपके पास ऐसा वाला है तो माइनस वाला को इसमें देना है, और जो प्लस वाला होगा उसको यहाँ पर 2 पिन बचा हुआ है वो दोनों को एक साथ जोड़ना है, क्योंकि ये माइक आपको मोनो में ही काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने छोटा वाला में लगा लिया है, और इसको यहाँ पे हम इस तरीक़े से लगाएंगे कि हमारा माइनस प्लस सीधा रहे। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं, ऊपर वाला हमारा प्लस है और नीचे वाला माइनस है, तो उसको हम इस तरीक़े से लगाएंगे। तो यहाँ पे लगा दिया है दोस्तों, और जो साइड वाला हमारा वो खाली रहेगा। तो यहाँ पे हमारा इसका कनेक्शन सिर्फ इस तरीक़े से करना है। और यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों कि इसमें हम सप्लाई देंगे, और इसका जो इनपुट वाला होगा ऑप्शन यहाँ पर ऑडियो इनपुट का, इसमें हम लगा देंगे। और दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा काम करता है। तो चलिए अब हम इसको चेक करके दिखाते हैं। तो अगर दोस्तों, अगर ये आप बोर्ड लेना चाहते हो तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप इसको ऑनलाइन परचेस कर सकते हो। ये लोकल मार्केट में बहुत ही कम है अभी, इसलिए आप ऑनलाइन उसको खरीद सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो सिंपली क्या करेंगे दोस्तों, इसमें 5 वोल्ट सप्लाई देंगे, यहाँ पर इसमें हम 5 वोल्ट सप्लाई देंगे, और जो हमारा ऑडियो इनपुट का होगा उसका वायर हम इसमें जोड़ लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो पिन बचा हुआ है हमारा ऑक्स का है। तो चलिए अब हम इसको इसमें सप्लाई देते हैं और आपको चेक करके दिखाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने इसमें सप्लाई दे दिया है, देख सकते हैं, और इसमें जो माइक का ऑप्शन काम करेगा दोस्तों, यहाँ पे जो मोड का ऑप्शन है उसको हमको होल्ड करके रखना है। माइक ऑन, ये हमारा माइक ऑन हो गया है। फिर हम इसको होल्ड को मोड वाले ऑप्शन को होल्ड करके रखेंगे, तो ये माइक ऑफ हो जाता है, इसमें आपको इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसमें माइक को आपको लगा कर दिखाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे रहा मेरा माइक्रोफोन, जैसा कि देख सकते हैं मैंने वायर इसमें लगा लिया है, और यहाँ पर हमारा स्विच ऑफ है अभी। तो चलिए हम इसमें माइक को ऑन करते हैं यहाँ पर ऑप्शन से।
माइक ऑन हो गया यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे हम माइक को ऑन करते हैं, देख सकते हैं दोस्तों इसमें इको चालू है। मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ, आप यहाँ पे हेलो, बहुत अच्छा इको काम कर रहा है, हेलो हेलो देख सकते हैं बहुत अच्छा इको काम कर रहा है। अब इको इको का कम और ज़्यादा हम कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो रिमोट होगा उसमें इको का जो ऑप्शन है उसमें हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इको करेंगे, देख सकते हैं ये इको का ऑप्शन है, यहाँ पे इको का ये हमारा फुल इको है, इसको हम कम कर देंगे यहाँ पे, देख यहाँ पूरा कम हो गया, ठीक है। हेलो 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 ये पूरा कम है, यहाँ पे थोड़ा बढ़ाएंगे, हेलो यहाँ पे इको हम यहाँ पे देख सकते हैं इको हमारा सात है, ये हमारा फुल इको हो गया, ठीक है। हेलो 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 और यहाँ पे हम इको को पूरा कम करेंगे तो हमारा इको काम नहीं करेगा, बिल्कुल ऑफ हो जाएगा, देख सकते हैं। हेलो हेलो इसमें कोई इको नहीं है, हेलो हेलो यहाँ पे इको का है, तो यहाँ पे इको को बढ़ाते ही ये इको हमारा काम करने लगता है। हेलो 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 तो यहाँ पे इको को बढ़ाते ही बहुत अच्छा इको काम कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों, यहाँ पे यहाँ पर दूसरा ऑप्शन मिल जाता है इसका साउंड का, तो यहाँ पे हमारा और यहाँ पे पहला ऑप्शन इको का मिल जाता है, इसको अगर हम होल्ड करके रखेंगे तो ये हमारा माइक का ये माइक का साउंड का हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये माइक हमारा, ये माइक का है, और यहाँ पे जैसे जैसे इसको हम बढ़ाएंगे हमारा माइक काम करता जाएगा, ठीक है, ये 16 तक ही रहेगा। तो यहाँ पे इस तरीका से इसको में इको का इफेक्ट ज़्यादा कम कर सकते हैं, देख सकते हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हेलो 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 देख सकते हैं बहुत अच्छा काम कर रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट इसमें माइक माइक का कनेक्शन कर सकते हैं दोस्तों, इसमें अलग से आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि ये आपका माइक सर्किट लगाने की, और साथ में इको भी है, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत अच्छा काम करता है और ना इसमें कोई नॉइज का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है इसमें, और ये बड़े बड़े एम्पलीफायर में भी आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों मुझे कमेंट करके बताएं कि ये बोर्ड आपको कैसा लगा और इसका फंक्शन कैसा लगा। तो दोस्तों इस बोर्ड में आपको एक बेस ट्रेबल का भी आता है बोर्ड, तो मैं कोशिश करूंगा कि वो भी आपको बहुत से बहुत जल्द इसको रिव्यू करूंगा और उसको चेक करके दिखाऊंगा, उसमें आप बेस ट्रेबल को बोर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सब कुछ इसमें ही रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि इस बोर्ड का काम ये सिर्फ पैनल अकेला ही काम कर देता है और साथ में इको भी देता है, तो दोस्तों ये बहुत ही काम की चीज़ है। तो अभी माइक सर्किट की कोई ज़रूरत नहीं होगी, डायरेक्ट इसमें आप माइक का सॉकेट लगाकर आप इसमें माइक चला सकते हो और बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों, जैसा कि आपने देखा। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।